एक प्रेरणादायक कहानी। एजुकेशन बिलीफ, एफर्ट और डिसिप्लिन, शिक्षा भरोसा, प्रयास और अनुशासन, ये चार स्तंभ होते हैं एक असाधारण, अविश्वसनीय और बेहतरीन जिंदगी के। अगर आप ये नियम अपना लेते हो तो इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप पा नहीं सकते। ऐसा कोई सपना नहीं होगा जो आपका पूरा नहीं होगा। ऐसा कोई काम नहीं होगा जो अधूरा रह जाएगा। ऐसी कोई चुनौती नहीं होगी जो आपको हरा पाएगी। ऐसा कोई शख्स या कोई समाज नहीं होगा जो आपको झुका पाएगा। बस आपको याद रखना है एक नियम, जिसके हैं चार स्तंभ, शिक्षा भरोसा, प्रयास और अनुशासन। शिक्षा जो हम स्कूल में सीखते हैं, कॉलेज में सीखते हैं और साथ साथ जीवन के हर पल से कुछ न कुछ नया सीखते हैं, हर ठोकर से सीखते हैं, हर गलती से सीखते हैं, हर धोखे से सीखते हैं। रोज जिंदगी हमें कुछ न कुछ सिखाती है। ये हमारी शिक्षा है जो हमें आगे बढ़ाती है। स्कूल कॉलेज में दी गई शिक्षा आपको जीवन जीना सिखा सकती है, चार पैसे कमाना सिखा सकती है, लेकिन खुद से सीखी गई एक एक चीज आपको जीवन में लाख गुना बेहतर और दूसरों से कई गुना ऊपर बढ़ा सकती है। इसको कहते हैं सेल्फ एजुकेशन, जो आपका जीवन बदल सकती है। अगर आपको एक औसत जिंदगी चाहिए तो आपके सीखने की अवधि खत्म हो जाती है स्कूल के खत्म होने के साथ। लेकिन अगर आप जीवन में कुछ न कुछ नया सीखते रहते हो, खुद को एजुकेट करते रहते हो, तो ये चीज आपको कहां से कहां पहुंचा देगी आपको खुद यकीन नहीं होगा। इस कहावत को हमेशा याद रखना, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। विश्वास अर्थात भरोसा, ये जिंदगी का दूसरा सबसे जरूरी स्तंभ है। यहाँ आपको खुद पर विश्वास करना सीखना पड़ेगा। आपने जो चीजें सीखी हैं, आपके सामने जब कोई चुनौती आती है तो आपको उन सीखी गई चीजों से उन समस्याओं को सुलझाना पड़ेगा, और कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, कोई और आप पर भरोसा भी नहीं करेगा जब तक आप खुद पर भरोसा नहीं करोगे, दुनिया को साबित करके नहीं दिखाओगे। इसीलिए शिक्षा के साथ खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। इसी को कहते हैं सेल्फ बिलीफ, और इसके लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा, देखना होगा कि ऐसे क्या कारण हैं जिनकी वजह से आप खुद पर विश्वास कर सकते हो, और ये आत्मविश्वास आपको प्रयास करने में बहुत मदद करेगा। प्रयास, ये हमारे जीवन का तीसरा सबसे जरूरी स्तंभ है। इसे कोशिश, एक्शन या कभी ना हार मानने की सनद भी कहा जा सकता है। हर हद तक हर तरीके से कोशिश करना जो तुम्हें सफल बना सकती है, इसी को कहते हैं प्रयास, इसी को कहते हैं जिद। और जीत के लिए एक जिद का होना बहुत जरूरी है। आपके पास शिक्षा है, खुद पर भरोसा है, लेकिन अगर आप कोई प्रयास ही नहीं करते या लगातार प्रयास नहीं करते, हारने के बाद निराश होकर बैठ जाते हो, तो आपकी सारी शिक्षा बेकार है। आपका खुद के ऊपर जो विश्वास है वह भी बेकार है। माना कि आप अभी सफल नहीं हुए हो, लेकिन आप सफल बनने के लायक हो, आपके अंदर वो सब काबिलियत है। इसी सोच के साथ अपने पूरे प्रयास लगा दो, खुद को सही साबित करके दिखा दो। डिसिप्लिन, जीवन में सफल होने के बाद भी अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो आप ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाओगे। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो खुद को अनुशासित रखना पड़ेगा, एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसे फॉलो करना पड़ेगा। जो लोग बिना प्लानिंग के बिना सोचे समझे कुछ भी करते जाते हैं वो न सफल हो पाते हैं न सफल रह पाते हैं। अनुशासित रहना सीखो, मना करना सीखो, हर उस चीज को मना करना सीखो जो तुम्हें सफलता से दूर ले जाती है, चाहे वह मोबाइल पर समय खराब करना हो, दोस्तों के साथ गप्पे मारना हो, गलत चीजों की आदत हो, गलत कामों की लत हो, हर चीज को मना करना सीखो, खुद को अनुशासित करो। दोस्तों, ये चार गुण जिस इंसान ने अपने जीवन में अपना लिए उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता, उसे कोई पीछे नहीं खींच सकता। खुद को एजुकेट करो, खुद की नॉलेज बढ़ाते जाओ, अपने ज्ञान पे भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी चुनौती से मत डरो, काम करने से कभी पीछे मत हटो, न थको न निराश हो, प्रयास करते जाओ और हमेशा अनुशासन में रहो, गलत कामों को मना करना सीखो। आपके अंदर कोई कमी नहीं बचेगी। खुद सोचकर देखिए आपके अंदर इन चार में से किस गुण की सबसे ज्यादा कमी है। अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए, ये चारों गुण अपने अंदर डेवलप कीजिए, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जो बताया उसे आप अपने जीवन में अपनाकर जरूर देखेंगे, और इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे, ये मेरा विश्वास है। तो मेरा विश्वास टूटने मत दीजिएगा, प्रयास कीजिए, एक बार कोशिश जरूर कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा।